रहता। क्या था? अच्छा चलो भैया आ चुके हैं अंदर, बस वेट है एलटी डैंग, एलटी टोनी, एलटी की टीम टाइम से अंदर, नो वन जा रखे हैं। क्वीन आ गई है, वैनम भी है वॉर में, जिन और डेविल आ चुके हैं। भाई कुछ क्षण की देरी और करते हैं आज का गेम स्टार्ट। नूब की टीम आ चुकी है सारे के सारे अंदर, टाइम से अंदर आ जाते हैं। अरे भाई मुझे इनवाइट कर देना यार, थोड़ा फोन मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था। अल्फा के टीम के प्लेयर दिखे, अल्फा स्कल नाम है, वहां पे आ चुके हैं क्योंकि एंट्री होनी बाकी है। टीम आ चुकी है यहाँ पे, T7 गेमिंग वाइट टीम टाइम से अंदर आ जाती है हर बार। कुछ टीमें अच्छी लगती है टाइम से अंदर आने वाली। कब स्टार्ट कब है? बस भाई 5 मिनट में कर रहे हैं स्टार्ट। फाइनल 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। एक दो जने जो बाहर हैं वो अंदर आ जाएं बस। टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप आ चुके हैं। जिला भी अंदर आ गए हैं। एजेंट फ्रैंकी आ गए हैं वेनम के साथ और आइकॉनिक भी आ गए हैं वहां पे, ज्वाइन कर लिया स्क्वाड। और फाइनल जो 2 मिनट दे रखा है ग्रुप में वो स्टार्ट कर लीजिएगा। मैं पहली रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, नेजी की टीम आ चुकी है, अल्फा नेजी आए हैं बहुत दिनों के बाद। वीकेंड्स हैं तो वीकेंड में थोड़ा कर देते हैं। शुभम 24 आ चुके हैं यहाँ पर। T7 गेमिंग वाईटी आज खेलना चाह रहे हैं अकेला, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अकेला है तो धकेला है। ये है 7, रिक्वेस्ट डाल दिया करने की स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट डाल दिया। 58 जने हैं, अब हो गया गेम स्टार्ट भाइयों, अब कुछ नहीं हो सकता, जो बाहर रह गए बाहर ही रहिए। कल आइएगा वो जो बाहर रह गए हैं, चाहते हैं कि भैया जो टाइम से खेलने वाले हैं उन्हें ज्यादा वेट ना कराया जाए। तो फाइनली गेम स्टार्ट कर दिया आज हमने, यहाँ पे पावर आए हैं
मिस्टर रंजन के साथ। आज अकेले ही आए हैं, पास कर दौड़ रहे हैं। अल्फा की टीम लौटी है आज गेम में धमाल मचाने के लिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं आज। चलिए भैया, उड़ चुका है प्लेन, अल्फा की टीम है यहाँ पे उतरी है नोवो की तरफ में। यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी टीम जा रही है, नीचे मैग्मा की टीम भी जा रही है और यहाँ पे अल्फा की टीम भी है और क्रेजी की भी टीम है। अल्फा पांडा अकेले आए हैं आज, सैम शर्मा है यहाँ पे अकेले खेलेंगे। आइकॉनिक की टीम जा रही है मिलिट्री बेस की तरफ में है, अर्ल डेविल ने ज्वाइन कर दिया उन्हें रात लास्ट में आके। चार जने देख रहे भाई, चारों से रिक्वेस्ट कि लाइक मार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर नए हो तो। यहाँ पे ये खूनी की भी टीम उतरी है गॉडज़िला के साथ, चाहते हैं कि कुछ अच्छा गेम देखने को मिले। यहाँ पर TZ4 क्रैंक की टीम भी बढ़ रही है हॉस्पिटल के ऊपर से जॉर्जियो कोल सिटी की तरफ। मिस्टर रंजन को आते ही चटका दिया है और चलते हैं उस तरफ में हम। MGD की टीम मैग्मा नॉकआउट है, माफ़ी चाहेंगे मैग्मा नहीं, अभी नॉकआउट है। वहाँ पे अल्फा पांडा है, पावर बचे हुए अकेले, पावर के प्लेयर नहीं आए साथ के आज। तरफ जा रहे हैं, कुछ टूटी पांड कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट कल है यहाँ पे, काफ़ी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैकेट भैया पहन रखी है इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की, और पांडा ही बने हुए हैं। क्रेजी हॉक ओपी है, उन्हें पता नहीं कि सामने की तरफ में पूरी टीम है ऊपर की तरफ में। टोनी की तरफ गए हैं, अगल बगल में दो टीमें हैं, इवन आई की टीम है और सचिन की भी टीम है यहाँ पर, सचिन तेंदुलकर भी आए हैं खोनी गोलू के साथ। गाड़ी लेके निकले वहां से अल्फा पांडा, बहुत तेजी में निकले। सैम शर्मा बेस्ट कैंपर ऑफ ऑल टाइम, के सामने गॉडज़िला की टीम है वहां पे सामने की तरफ में। आगे बढ़ रहे हैं आइकॉनिक, जिगल करते हुए बढ़ रहे हैं। देख खूबियां हैं प्लेयरों में बहुत अच्छी अच्छी, मगर हमारे बचपन के मित्र हैं चूतिया हैं, अगर मिस्टर रंजन जहाँ नाम है सबसे पहले वही मरते हैं इस गेम में, अपने आपको पता नहीं अफरानी समझते हैं। टी ए खूनी आगे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा आगे की तरफ गए। MGD मैग्मा को भी नॉकआउट कर दिया वहाँ पे LT, अल्फा पांडा ने माफी चाहेंगे LT बोल दिया। कैंप हमारा हुआ है, आइकॉनिक थोड़ा गेम पलटाने की सोच रहे हैं। गोलियां बहुत तेज में गॉडज़िला ने गोलियां चलाई है,
पीपी लेके देख रहे हैं लेवल की तरफ में गोलियां हुई थी। गेम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अल डेविल ने नॉकआउट मार दिया है को भी। टीए पूरी में नॉकआउट मारा वहाँ पे, लेकिन फ्रैंकी पीछे की तरफ में है। एक रावण को भी यहाँ पे अल डेविल का भी बहुत बहादुरी कर्तव्य देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। लोड पे आई है गन और अल डेविल ने लिक्स को नॉकआउट कर दिया वहाँ पे, और यहाँ पे बहुत खूबी की तरीके से नॉकआउट करके पूरी टीम को करा बाहर और रिवाइव देंगे अपने प्लेयरों को। गेम चल रहा है भाइयों टीम वर्क का, और टीम वर्क की सूचियों में नाम है सबसे ऊपर अभी वैनम की टीम। अल डेविल ने ज्वाइन करके सपोर्ट दिया, अच्छा गेम खेला वहाँ पे अल डेविल ने भी, क्योंकि यहाँ पे दो किल तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिए, तीन किल कन्वर्ट करे यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन खेल। एक किल आइकॉनिक ने करा, तीन किल उनके नाम पे। चलते हैं स्पाइकी की टीम के बगल में भी, दिखाते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे भी। गॉर्डन है यहाँ पे, गॉर्डन की भी टीम है। अल्फा फ्लेम ने पावर को जला दिया यहाँ पे, और अब नेजी ने, नेजी की टीम ने कब्जा कराया एक तरीके से आपका। एल्टीटू ने भी थंडर की तरफ में चला सा दिया है यहाँ पे, अल्फा क्रेटोस ने फ्लेम को जला दिया यहाँ पे, आपस में जल रहे हैं यहाँ पे, जला जल खेल रहे थे यहाँ पे भाई। रिवाइव दे दिया वहाँ पे, वो की तरफ चलेंगे अभी यहाँ पे खूनी गोलू की तरफ में। यहाँ पे एल्टी की टीम लड़ते हुए यहाँ पे खूनी गोलू की, खूनी की टीम पर हमला करा था इन्होंने। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बाल बाल बचे, नीचे की तरफ रह गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से मौत ने नॉकआउट करा था, और आगे सपोर्टर टाइम पे पहुंच गए हैं वहां पे, कमरे में दोनों को नॉकआउट कर दिया। टीम वर्क चल रहा है यहां पे बहुत बढ़िया, पहले लूट लेंगे फिर बाद में करेंगे, मगर यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं एंटी डैंग। एंटी टोनी के पास होती है सबसे ज्यादा लूट, मार तो बोल रहे हैं उसे, और यहाँ पे खूनी गोलू को भी चटकाया, और नीचे से आ रहे हैं एक्स ब्लाजुक के है ब्लाजुको ब्लेज को के ओ क्या क्या लिख देता हूँ। TMQT की किंग क्वीन की टीम की तरफ में गए हम, TMQT टीम ही आई है इसमें। क्वीन जज्बात में थोड़ा आगे तक चली गई, मगर यहाँ पे गाड़ी लेना आई है वापस आएंगे। हेलबॉय की टीम आई है यहाँ पे, आदित्य हेलबॉय, मास्टरमाइंड पबजी, फरकान साहिब, एलएनएक्स हेलबॉय हैं यहाँ पे। चैक स्पैरो ने करा हुआ यहाँ पे कब्जा, एक तरीके से बोल सकते हैं ब्रिज पे कब्जा कर रहे हैं। टीमें निकलेंगी वहाँ से, ये थोड़ा सा ये कम कर देते हैं जिससे कि ग्लिच ना है। अल्फा क्रेटोस आ रहे हैं जज्बात में, और यहाँ पे बाइक देखी कितने बढ़िया बाइक, स्किन इतनी अच्छी लग रही थी बाइक की, ये देखिए। आगे चले गए नेजी और अल्फा फ्लेम, रुके गए हैं, टूटी पड़ी हुई है यहाँ पे। चलते हैं दूसरी साइड पे, यहाँ पे जीवन की टीम की तरफ गए हैं, जीवन की टीम निकल रही है जोर की तरफ में, आराम से।
और वहाँ पे निकल गई है टीम, आगे की तरफ में जा रही है, क्लोज में आ गई है। आस पड़ोस में कोई नहीं है, आराम से लूट रहे हैं। वहाँ पे चलते हैं स्पाइकी की टीम, मिस्टर बैडमैन की टीम से लड़ते हुए, टीम क्विटी की टीम है। यहाँ पे गुरुजी ओपी है वहाँ पे, और यहाँ पे नॉकआउट करके और यहाँ पे बहुत अच्छा नॉकआउट करा स्पाइकी का और एल टी वाई टी ने नॉकआउट मारा वहाँ पे, बहुत अच्छा गेम खेलते हुए डी सेवन। और यहाँ पे गेम चल रहा है आगे की तरफ जा रहे हैं कैंपर सारे, और यहाँ पे अपना खड़ा है भैया। यहाँ पे गेम देखने को मिल रहा है जो हमें, वो है T7 Gaming YT, बहुत बढ़िया गेम खेलते हैं यहाँ पे, मिस्टर बैडमैन बचे हैं। और यहाँ पे जो गेम दिखाया इन्होंने लाजवाब गेम दिखाने की कोशिश, मगर मिस्टर बैडमैन ने एडवांटेज लिया और यहाँ पे क्विटी को बचाया। गुरुजी ओपी और क्वीन नॉकआउट होके बाहर हो गए हैं, मगर यहाँ पे एक जने को तो बचा ही लेंगे वो, बहुत अच्छा गेम दिखाया था वहाँ पे। वहाँ जीवन की टीम ने हमला कर दिया भैया, दूर से ही मौके पे चौका संवारा और यहाँ पे दो किल बटोर लिए हैं जीवन की टीम ने। गेम चल रहा है भैया फाड़ू, जल्दी जल्दी टीमें जा रही हैं बाहर की तरफ। और यहाँ पे बैड गर्ल के साथ आए हैं हितेश, तेज देशमुख सेफ खेल रहे हैं, सैम कैंपर है यहाँ पे। और अल्फा क्रिटॉस की टीम ने हमला कर दिया भैया, चलते हैं उनकी तरफ में भी, अभिजीत की टीम पे हमला करा था शायद अल्फा फ्लेम, बाल बाल बचे यहाँ पे। और वहाँ से चल रहा है ओनी स्मोकिंग की तरफ से, ऑन स्मोकिंग की तरफ से चल रहा है हमला, क्रेजी हॉक ओपी को नॉकआउट कर दिया यहाँ पे, हमला कर रहे हैं पे हमला कर रहे हैं, सरकिन साहिब भी नॉकआउट पड़े हैं यहाँ पे, मास्टर माइंड बच जाएंगे बचाने के लिए, उन्हें रिवाइव दे रहे हैं मैक्स, अभिजीत नॉकआउट होके बाहर हो गए हैं। साइक को आदित्य ने नॉकआउट मारा है, यहाँ पे दोनों नॉकआउट पड़े गए हैं, हेल बॉय आ गए हैं बचाने के लिए, तेजी में आए हैं, देखते हैं कि उनका कारनामा कैसा हो जाता। रिवाइव दे दिया है खुशकिस्मती है कि हेल बॉय तेजी में आके वहाँ पहुँच गए थे। ये मेरे को समझ नहीं आया कि आदित्य तो नहीं की टीम का था, मगर कैसे नॉकआउट कर दिया, बम कैसे हुआ। डोरेमोन्स की टीम पे भी हमला हो गया यहाँ पे, डोरेमोन्स की टीम पे हमला करा यहाँ पे एल टी डैंग ने, क्रेजी हॉक ओपी की तरफ में यहाँ पे बम का दिया है सीन शॉट, चलते हैं उनकी तरफ में भी। और यहाँ पे बमों का स्वाद चल रहा है, बम ही बम चल रहे हैं वहाँ पे, निजी की टीम वहाँ घुस तो गई थी, अल्फा क्रिटॉस है वहाँ पे, अल्फा निजी नॉकआउट पड़े हुए हैं, बम पड़ रहे हैं क्रिटॉस की तरफ से। और यहाँ पे नॉकआउट करा ओपी को, ऊपर फंसे हुए थे, ने हमला करा था जैक स्पैरो को भी किया बाहर, और वहाँ पे सामने आदित्य की टीम है हमला कर रही है, स्कल नॉकआउट है, आठ जने देखे हुए ऑटो से रिक्वेस्ट लाइक और सब्सक्राइब। और क्रेटोस ने जो बम फेंका है भैया, फिर साइड को नॉकआउट कर दिया यहाँ पे, अल्फा स्कल को रिवाइव दिया जा रहा है, और यहाँ पे बिजली सी कड़की, गेम चल रहा है भैया बहुत बढ़िया, दो टीमें लड़ते हैं, बहुत जेन्युइन टीमें हैं दोनों। ऐसी फाइट देखने में मज़ा आता है, निर्णय नहीं है, अभी भी जोन आने वाला है, जिसकी टीम के डैमेज ज़्यादा होंगे उनको होगा खतरा।
पता कर दिया यहाँ पे, फिर दोबारा से देखते हैं कि क्या चल रहा है एम्प्लॉय के माइंड। स्मोक कर दिया है, मेरे हिसाब से कोई ना कोई तो निकलेगा वहां से, पीछे से निकले, गाड़ी है वहां पे पीछे पे, गाड़ी से निकल सकते हैं आराम से। और वैनम की टीम ने हमला कर दिया भैया रॉस की टीम पे, दिखाते हैं अभी उनकी तरफ में भी खेल रही है यहाँ पे वैनम की टीम, नॉकआउट करके उन्हें गाड़ी से ही उतार दिया है। लूटपाट जारी, मास्टर ने पबजी को नॉकआउट कर दिया क्रेटोस ने, क्रेटोस ने मास्टरमाइंड पबजी को नॉकआउट करा था, क्रेटोस को भी लगा डैमेज, रिवाइव दे देंगे अब मास्टरमाइंड पबजी को, दे दिया है यहाँ पर रिवाइव ले रहे हैं वो भी, निकलेंगे गाड़ी लेके निकल रहे हैं जोन की तरफ में निकल रहे हैं सबके सब, अल्फा नूप की टीम की तरफ गए हैं, नूप की टीम दौड़ रही है आगे की तरफ, और यहाँ पे जीवन की टीम आई है स्कूल की तरफ से निकलते हुए गाड़ी लेके, जीवन की टीम की तरफ में हमला हो गया अभी गाड़ी पे, ऊपर की तरफ चलेगी जीवन की टीम, ऊपर की तरफ से हमला कर सकती है, खुले में होंगी वो टीम भी, आइकॉनिक की टीम पीछे की साइड पे जाके सेफ के देख रहे हैं आइकॉनिक, निकल रहे हेलबॉय की टीम और सैम कैंपर जोन के अंदर है, एजेंट फ्रैंकी की टीम पीछे से घूम के निकल रही है जोन की तरफ में, यहाँ पे आगे पे क्लैश हो सकता था, वहां पे आइकॉनिक को नॉकआउट कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, जीवन आया जीवन आया जीवन आया यहाँ पे, और जीवन ने एजेंट फ्रैंकी को कर दिया है यहाँ पे, जीवन को नॉकआउट मारा यहाँ पे, अल डेविल बचे हुए, क्या अल डेविल कुछ पलटा पाएंगे, और यहाँ पे 1 HP बचे हुए थे भैया, 1 HP पे कुछ कमाल कर पाएंगे, 1 HP वहां पे भी 1 प्लेयर बचा हुआ है, अगर ये हमला कर देते तो हो सकता है इनको मिल सकते है किल, अगर यहीं से कूद जाए तो ऊपर पीछे घूमे, यहाँ पे बहुत चालाक तरीके से यहाँ पे शातिर इरादों से नॉकआउट करके बाहर भेज दिया वैनम की टीम को, बैड लग रही रहा कि उन्होंने गाड़ी से गलत जगह पे रुका यार, यहाँ पे 100 की गोलियों के साथ स्वागत करा, बढ़िया गेम, डार्क कल्चर की तरफ गए हैं वहां पे सामने की तरफ में उनकी एक टीम है, कैमोन किंग की भी है यहाँ पे इनके साथ, बैड गर्ल और हितेश है वहां पे, सबकी तरफ देख रही है बैड गर्ल, मेरे को लग रहा नेट नहीं चल रहा इनका, बहुत बढ़िया गेम दिखाना चाह रहे हैं, चलिए नेजी की टीम पहुंच चुकी है जोन के अंदर, अल्फा नेजी LNX हेल बॉय है यहाँ पे, गांव वाली ले ली इन्होंने, गांव जा रहे हैं सारा सब कुछ पैक बुक करके, नितिन की टीम है आगे की तरफ बैठ के देख रही है वहां पे, शुभम 1v3 क्लच, क्या बात है, बढ़िया गेम खेला हुआ है, नजदीक में नोव आकाश की तरफ में फरकन साहब ने हमला कर दिया, चलते हैं उनकी तरफ में, नोव आकाश को नॉकआउट कर दिया वहां पे,
यहाँ पे बमों से स्वागत होता है जो घरों में बैठते हैं बंदे। और नो आकाश को फिर दोबारा से नॉकआउट कर दिया वहाँ पे। अभी की तरफ जा रहे हैं हेल बॉय घुसने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हेल बॉय का स्वागत कर दिया। पीछे की तरफ कैसे बैठा होता है बंदा क्या। और यहाँ पे बहुत शातिर तरीके से नूब की टीम को नॉकआउट करके बाहर भेज दिया। एंट्री थी हगने बैठा होता बंदा जीने पे। और यहाँ पे बोलो भाई तू अब घर जाके हगियो। गलत बात है यार, किसी को टॉयलेट भी नहीं करने दे रहे यार। यहाँ पे है डार्क कल्चर की टीम अल्फा क्रोटोस डार्क कल्चर। और यहाँ पे मुंडी पे पड़ी गोली और पीछे की तरफ निकले, उन्हें पता लग गया कि भाई ये सातीर रातों वाली टीम है। और वो बोल रही है भाई गाड़ी पे बैठ रहे गाड़ी में। अरे भैया खतरनाक ही हेलमेट ढूंढ रहे हैं अपने लिए, वो मिल जाए क्योंकि वो बंदे मुंडी पे गोली मार रहे। डेमोन किंग है यहाँ पे। बैड गर्ल हितेश रह गए पीछे की तरफ में, दौड़ रहे हैं जोर की तरफ जाने के लिए। बैड गर्ल पहली पहुंच गई उनसे। सैम शर्मा हमारे सैम कैंपर बेस्ट कैंपर ऑफ ऑल टाइम, एक ना एक टीम को जीतने से रोकने की हर समय रोज यही रहती है कि एक टीम को हम चटकाएं लाला उन्हें जीतने ना दे खुद मर जाएं। मगर एक प्लेयर कल चटका दिया इन्होंने और तीन चार दिनों से ये पीछे पड़े हुए थे T7 गेमिंग YT की टीम के। हर बार आते थे पीछे से दबे पांव घुस जाते थे जोन में और नॉकआउट कर देते थे। आज भी धनुष बाण इनका फेवरेट है, जिससे आवाज वाज कुछ नहीं आती, मुंडी पे निशाना लेके लगाते हैं। पानी में गिरा हुआ है, डार्क कल्चर की तरफ गए हैं। वेट कर रहे हैं यहाँ पे डेस्ट्रो है, यहाँ पे डेस्ट्रो चल क्या रहा था भाई, उसके ऊपर लेटेंगे क्या बंदे। अब भाई कुछ अलग ही करतब कर रहे हैं तीनों तो, ये देखो भाई वो वहां से मार दे भाई, कुछ अलग ही कर रहे हैं तो अलग ही फिल्म है इनकी, अलग ही फिल्म चल रही है इनकी। अरे बढ़िया, अरे 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 भैया, अरे 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 रह गया। ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं, चढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। अरे अरे इतनी देर में वो एक दो बंदे निकल आएंगे वहाँ से। पड़ी गोली जैसे कि आपको पता लग ही जाता है, उन्होंने करतब देख लिए होंगे उनके। और ये देखो करतब कर रहे हो, अल्फा स्कल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि करतब करते हुए देख ही लेते हैं कर क्या रहे हैं वहाँ पे। जीवन की टीम जोन के अंदर, एलटी की टीम भी जोन के अंदर। पकड़ेटॉस लगे हुए हैं डेंट देने पे। चले भैया उन्होंने कर लिए है कोशिश, अब उन्हें पता लग गया है कि बंदे करतब दिखाने वाले हैं। जोन की तरफ जाने की कोशिश चल रही है और वहाँ से पीछे से हमला हुआ था, पीछे से हमला करा किसी टीम ने। कौन सी टीम है ये भैया, वही टीम हमला कर रही थी उनकी तरफ में। छोड़ के निकली जोन में, उसकी टीम जोन की तरफ में बढ़ते हुए। जोन के अंदर बैड गर्ल की टीम आराम से लेट के देख रही है ना। बिजी है वहां पे भी नीचे भी। हम से दबे पांव आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सैम कैंपर हमारे थोड़ा बनता है उनकी तरफ की, तैरते तूरते हुए आ रहे हैं। पूरा पूरा जिला गाजियाबाद घूम लिया उन्होंने चलते चलते। और बैड गर्ल को यहाँ पर चटकाया TR डिस्ट्रॉयर ने और नॉकआउट कर दिया है बैड गर्ल को। हितेश यहाँ पीछे की तरफ में
उनकी मौत को नॉकआउट करा फरकान साहिब ने, चलते उनकी तरफ में भी। हमला कर रहे हैं, रिवाइव कौन दे रहा है अल्टी मौत को, अल्टी टैंक ने नॉकआउट कर दिया उन्हें और फरकान साहिब की तरफ में हमला करा, अल्टी डागर भी नॉकआउट है वहाँ पे। यहाँ पे एल्टी टोनी को भी दे दिया है झटका, एक ही स्प्रे में आ गए एल्टी टोनी, बचाते बचाते भाग गए थे वहां पे। यहाँ पे हमला करा एल्टी टैंक ने, पेल्टी मौत को दे दिया फिर दोबारा से फटका। पेल्टी डागर और टोनी, डागर और टैंक बचे हुए अभी, तो मास्टरमाइंड पबजी को नॉकआउट कर दिया उन्होंने पेल्टी डागर ने, और यहाँ पे पेल्टी डागर अकेले रहते थे और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से नॉकआउट करके बाहर भेज दिया है। टीआर डिस्ट्रॉयर की तरफ में चले गई है नेकी जी की टीम और वहाँ पे नॉकआउट कर दिया है 50 सेंट नेकी जी को। डार्क कल्चर है वहाँ पे बचे हुए, केले हैं वहाँ पे सामने की तरफ में, नॉकआउट पड़े हुए टी आर डिस्ट्रॉयर, मिलके हमला कर सकते हैं दोनों वहाँ पे, और यहाँ पे बम का स्वाद चखाना चाह रहे हैं उन्हें। मेरी तरफ में लेटे हुए हैं, रिवाइव दे रहे हैं उन्हें, रिवाइव हो ही जाएंगे अब। बंदा दबे पाँव आ गया है आगे की तरफ में, डिस्ट्रॉयर थोड़ा खिसकते हुए आगे की तरफ तक आ गए, डार्क कल्चर भी रिवाइव हो गए, शुभम 24 ने नॉकआउट कर दिया है, शुभम 24 ने एक को नॉकआउट करके बाहर भेज दिया अपनी टीम का बदला लेते हुए। शुभम टीआर डिस्ट्रॉयर बचे हुए सामने की तरफ में, सैम की तरफ से गोलियां चलाई थी, बार बार बचे सैम वहां पे, पट्टियां लगा रहे हैं, गॉर्डन को नॉकआउट कर दिया फरकान साहिब ने, यहाँ पे सैम शर्मा को डिस्ट्रॉयर ने नॉकआउट करा और गॉर्डन को भी फरकान साहिब ने पीछे से बहुत दूर से मार दिया। सामने अल्फा क्रेटोस की टीम, फरकान साहिब की टीम, डिस्ट्रॉयर बचे हुए वहां पे अभी भी। यहाँ पे अल्फा फ्लेम प्ले जोन से नॉकआउट हुए हैं जोन के अंदर, सामान सौदा लपेट रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नॉकआउट करके फरकान साहिब ने नॉकआउट करा यार डिस्ट्रॉयर को। ग्यारह गेम खिलाने की कोशिश, हमला तो करा था इन्होंने तगड़ा मगर वहां नॉकआउट नहीं हो पाए, तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। 3-0 अल्फा की टीम है यहाँ पे, यहाँ पे अल्फा फ्लेम ने भी नॉकआउट, अल्फा स्कल ने भी नॉकआउट कर दिया है फरकान साहिब को। यहाँ पे जोन आ गया भैया, जोन होगा बैड लक क्योंकि जोन आ चुका है क्लोज में, और यहाँ पे
हेल बॉय ही पहुंच पा गए हैं जोन के अंदर, और मुझे लगता नहीं कि ये पहुंच हो पाएंगे, जिंदा हो पाएंगे। फरकन साहिब हो गए हैं नॉकआउट, और यहाँ पे उनके साथ ही आदित्य भी नॉकआउट हो गए हैं, और यहाँ पे लक बाय चांस लक जो है अब हो गया है हेल बॉय के साथ नहीं, अब स्कल की टीम आगे बढ़ रही है, स्कल की टीम आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे स्कल किल कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे नॉकआउट करके खत्म करा स्कल की टीम ने। होता है गेम, यहाँ पे बहुत अच्छा गेम खेल के स्कल की टीम 9 किल के साथ टॉप नंबर पे, और सेकंड पे आई फरकन साहिब की टीम 11 किल के साथ, और यहाँ पे चौथे नंबर तीसरे नंबर पर एटीआर डिस्ट्रॉय की टीम 4 किल के साथ, और यहाँ पे जीवन की टीम में 5 किल करे शोन 24 ने, 2 किल जीवन ने 7 किल के साथ, सैम शर्मा 5वें नंबर पर 0 किल के साथ, हितेश की टीम 6वें नंबर पर, आई टी टोनी की टीम 5 किल करे टागर साहब ने, 3 किल बाकी टीम में मैंने 8 किल के साथ रहे 7वें नंबर पर, नूह मनोज की टीम 0 किल के साथ, और डेवल की टीम में 3 किल करे डेवल ने, 1-1 किल बैन हुआ आइकॉनिक ने, 5 किल के साथ रही 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर रही और रेंजर की टीम। भैया आज की टीम का समीकरण, कल मिलते हैं भैया, गुड नाइट शब्बा।